मेरे और मेरे परिवार की तरफ से मेरी YouTube फैमिली को हैप्पी दिवाली। और आज जो मैं आपको बाजू डिज़ाइन बनाना बताऊंगी उसका ये लुक आएगा। ये पफ वाली बाजू डिज़ाइन होगी और ये स्टाइलिश बाजू है। ये डिज़ाइन अभी तक किसी ने नहीं बनाया होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज मैं आपको पफ वाला स्टाइलिश बाजू डिजाइन बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये देखिए, इसके लिए मैंने बाजू का कपड़ा ले रखा है और जिसकी ये लंबाई है वो मेरे को बाजू तैयारी रखनी है 8 इंच। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है यानी 9 इंच। और बाजू के लिए कपड़ा मैंने पहले से कट कर रखा है और इसको 4 कुर्ते में फोल्ड कर रखा है, ये देखिए। और जो नीचे की साइड से कटा हुआ कपड़ा है वो अपनी साइड रखूंगी और जो ऊपर की साइड वाला कपड़ा है ये दोनों साइड से जुड़ा हुआ है तो ऊपर की साइड रखूंगी। यहाँ हम पहले मोरी का नाप लेंगे। मोरी मेरे पास है 1.25 इंच और 1.5 इंच हम मार्जिन का रखेंगे। और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है और हमारा आर्म होल है 6.5 इंच। 7.5 इंच तक हम इसको सीधा रखेंगे इस प्रकार से। और इसके बाद हम इस प्रकार से गोलाई में शेप देंगे। बाजू को हमें हमेशा की तरह नॉर्मल तरीके से कट कर लेना है। ये बाजू का अस्तर है। पहले इसको हम नॉर्मल तरीके से कट करेंगे। ऊपर वाले कपड़े में पफ बनाएंगे और पफ भी डिजाइनर बनाएंगे। सिंपल वाला पफ नहीं बनाएंगे और ना ही बॉर्डर वाला पफ बनाऊंगी मैं। इसमें डिजाइनर पफ होगा। ये बहुत ही अलग होगा और बहुत ही सुंदर लगने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस प्रकार से बाजू कट करते हुए यहाँ बीचों बीच कट लगा लेना है। और यहाँ से हम जो आगे का इसका हिस्सा है इसकी इस प्रकार से हमेशा की तरह छटाई कर लेंगे इस प्रकार से। और हमारी ये बाजू का जो अस्तर है वो कट के तैयार हो जाएगा। अब जो डिजाइन बनाने के लिए ऊपर का कपड़ा है वो है मेरे पास और इसको हम एक बार सीधा ही कट रखेंगे क्योंकि इसमें बाद में बाजू के बराबर बराबर रख लेंगे। इसके लिए हमें बाजू का एक हिस्सा लेना है पहले। और जो ये ऊपर वाला कपड़ा है ये लगभग मैंने काफी बड़ा रखा है। इसकी लंबाई तो इसके जितनी ही होगी लेकिन जो इसकी चौड़ाई है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है क्योंकि पफ वाली बाजू में हमारे पास जितना कपड़ा होता है हम उतना ले लेते हैं। ये देखिए, कम से कम मेरे पास इसकी जो लंबाई है वो 44 इंच है। 44 इंच से कम होगी तो भी चलेगी क्योंकि इसमें हमें सिर्फ करना इतना है। जो ये हमारा मोरी का हिस्सा है इससे कम से कम डबल होनी चाहिए या फिर इससे ज़्यादा कितनी भी हो हमारे पास चलेगी। तो ये मैंने काफी बड़ा ले रखा है ताकि पफ बहुत ही सुंदर आए। बाजू के एक हिस्से को हमें अपने पास रखेंगे डिजाइन बनाने के लिए और दूसरा साइड में। और यहाँ पे जो ऊपर वाला कपड़ा है इसको लेंगे और इसको उल्टी साइड से हम इसके ऊपर रखेंगे। और यहाँ से हमने जो 1.5 इंच मार्जिन के लिए रखा था वहाँ पे इस प्रकार से निशान लगाएंगे और मार्जिन तक हम इसको सीधी सिलाई देंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम जो ये हमारा पफ बनाने के लिए कपड़ा है इस कपड़े को इस प्रकार से प्लेट्स डालेंगे। अगर कपड़ा कम हो तो प्लेट्स छोटी डाल लेंगे और कपड़ा ज़्यादा हो तो प्लेट्स बड़ी बड़ी अच्छे से डाल लेंगे। जितनी प्लेट्स डालेंगे उतना सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन इस प्रकार से, ये देखिए। और हमें प्लेट्स डालते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसी प्रकार ऊपर की साइड प्लेट्स को जमाते रहेंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको इस प्रकार से सीधा करेंगे और यहाँ पे अस्तर पे हम एक पैर के मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे यानी इतनी दूरी पे ये सिलाई अस्तर पे लगानी है हमें। और जो हमारे पास अस्तर के बगैर हम पफ वाली बाजू बनाएं तो पहले से फोल्ड करते हुए इस प्रकार से पहले से ही फोल्ड कर लेंगे और फिर हम पफ बनाएंगे। इसमें हमारे साथ अस्तर है तो इसलिए इस प्रकार से इसको अटैच करेंगे। सिलाई लगाने के बाद अस्तर को हम इस प्रकार से नीचे की साइड करेंगे और यहाँ से हमें 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है क्योंकि ये स्टाइलिश बाजू होगी इसलिए हमें यहाँ से 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है इस प्रकार से।
ये निशान लगाने के बाद हमें एक पतली डोरी लेनी है जो नॉर्मल डोरी से तो मोटी है, और इस डोरी को हम जो ये प्लेट्स हैं और इन पे निशान लगाया है हमने, प्लेट्स को हम अच्छे से जमा लेंगे इस प्रकार से, और इस डोरी को यहाँ इस प्रकार से रखते हुए जो ये निशान लगाया इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे जो डोरी है उस पर मैंने सिलाई लगा ली है, और मैंने दो सिलाई लगाई है। अगर आपके पास पतली डोरी हो तो आप एक भी लगा सकते हैं। अब इसको इस प्रकार से इस साइड से सीधा करेंगे, और जो हमारी ये अस्तर है इसके बराबर हमें किनारी की सिलाई लगा लेनी है, कच्ची सिलाई, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो। यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाते हुए जो ये हमारे पास बंधा हुआ कपड़ा है इसको हम निकाल देंगे। ये मैंने किनारे पे कच्ची सिलाई लगा ली है, और जो बंधा हुआ कपड़ा था हमारे पास, जो कपड़ा ऊपर का हिस्सा था उसमें ज़्यादा था, वो हमने निकाल दिया है। और हमारी ये बाजू रेडी हो चुकी है, और ये देखिए ऊपर की साइड से ये कुछ इस प्रकार से दिख रही है, और पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगेगी, क्योंकि ये अलग से है, स्टाइलिश बाजू है। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सिलाई से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।